गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी स्टार्ट अवर सेशन. एज यू नो वी आर परफॉर्मिंग अवर प्रैक्टिकल्स इन द पाइथन यूजिंग द एनाकोंडा प्लेटफॉर्म. वी आर वी यूज द एनाकोंडा बिकॉज ऑफ वी नीड द different some specific libraries. Those are not available in simple Python compiler, so we use this, and hopefully all of you have installed this is in your system. We have already informed to you before to show this before. Okay, so you can understand whenever you have the Anaconda, you have the Python, then you can do the practicals. Otherwise, you will face a problem just like the theory ki tarah hi aap log isko samjhenge, matlab nahi aayega. Okay. Now, our second practical in the machine learning is the write a program which demonstrate linear regression using Python. Kya padh rahe hum log? Linear regression. Using Python. तो ये linear regression basically होता है क्या? ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, है ना? अपन लोगों ने regression पढ़ा था second unit में, जिसमें linear regression क्या है? Linear regression is a statistical method for modeling relationship between dependent variable with a given set of independent variables. You know. आप लोगों ने फिफ्थ सिक्स क्लास में इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसमें एक्स जैसे लिखते थे ना, वाई इज इक्वल टू एम प्लस सी एक्स, है ना? तो वाई इज इक्वल टू एम प्लस सी एक्स एक इक्वेशन है, जिसमें कि आप एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है. सो हियर इन दिस इक्वेशंस एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब वाई वैल्यू डिपेंड करती है एक्स पर, और एक्स अपने हिसाब से कैसे भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, है ना? तो इसी तरीके से लीनियर रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, और एक मल्टीपल वैल्यूज के साथ लीनियर रिग्रेशन होता है. इन दिस प्रैक्टिकल्स वी रिफर डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिस्पॉन्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज फीचर्स फॉर सिंपलिसिटी. ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन वी स्टार्ट विद मोस्ट बेसिक वर्जन ऑफ लीनियर रिग्रेशन. ओके, so we are discussing here the linear regression, simple linear regression. Here we have only the two variables x and y, है ना? दो वेरिएबल होते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, जिसमें अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू उसी अकॉर्डिंग ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा. x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू में चेंजेस आएंगे, एक्स की वैल्यू को कम करेंगे तो वाई की वैल्यू में उसके हिसाब से चेंजेस आएंगे, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक्स और वाई दो वेरिएबल ले रहे हैं. अब देखिए आप लोग एक टेबल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इस टेबल को ध्यान से देखिए सब लोग. वी हैव द एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स. ओके, हियर एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, है ना? तो x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू वन है, y की x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू थ्री होगी, यहाँ टू होगा तो ये टू होगा, थ्री होगा तो फाइव होगा, फोर है तो फाइव, सेवन, इस तरह की कोई एक इक्वेशन हम लोग लेके चलेंगे, है ना? तो इसमें फॉर जनरली वी डिफाइन x एज अ फीचर वेक्टर, है ना? तो x इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन वैल्यूज है. ऐसे ही y एज रिस्पॉन्स वेक्टर, है ना? ये रिस्पॉन्स देता है आपको y इज इक्वल टू y1, y2, y3, y n number of variables. Okay, हम ये assume करके चल रहे हैं, we have the n observations. कितने observations हैं यहाँ पर हमारे? n observations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? तो यहाँ पर n की value कितनी मान के चल रहे हैं अपन लोग? 10 मान के चल रहे हैं, ठीक है? अब अपन लोग क्या देख रहे हैं? Regression में आप लोग देखते हैं कि data points हम लोग declare करते हैं graph में. एक ग्राफ होता है, हालांकि ये ग्राफ मेरा यहाँ, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ये ग्राफ देखिए. इस ग्राफ में आपके पास एक्स है और ये वाई है ना? हमें क्या करना है? ये ग्राफ जनरेट करना है, और ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं. क्या हैं?
ये डेटा पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए कि एक्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वाई की वैल्यू उसके हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो रहा है। ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, ये पूरा एक लीनियरिटी मेंटेन हो रही है यहाँ पर। लीनियरिटी कैसे मेंटेन हो रही है, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, एक्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कम होती जा रही है। दिस इज द लीनियर रिग्रेशन। आप इसमें क्या है, ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कई बार कैसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं किसी इक्वेशन में, तो मल्टीपल होंगे तो वो मल्टी रिग्रेशन कहलाएगा। अब ये सिंपल रिग्रेशन अपन लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास एक्स है और ये वाई है, तो ये ग्राफ हमें जनरेट करना है जिसमें डेटा पॉइंट्स अपन लोग डेटा पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेटा पॉइंट्स की वैल्यू आपने दे रखी है, ये देखिए, ये कि एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू थ्री है, एक्स की वैल्यू टू है तो वाई की वैल्यू टू है। तो ये जो डेटा पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंग प्लॉट हुए यहाँ पर। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो लाइन दिख रही है, लाइन क्या है? हमने ये जितने भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं इन डेटा पॉइंट्स के साथ ये ऑब्जर्व किया है कि इसमें हम एक प्रिडिक्शन लाइन प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं कि ये कॉमन प्रिडिक्टेड लाइन है। इस कॉमन प्रिडिक्टेड लाइन जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनके करीब से निकल रही है ना, करीब से निकल रही है, ये हमारा प्रिडिक्शन होता है। हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में हम एनालिसिस कर रहे हैं डिफरेंट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। हमें मालूम है कि मशीन लर्निंग इज डिपेंडेंट होता है, मशीन लर्निंग किस पर डिपेंड होता है, डेटा पर। डेटा के ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही मशीन एक कहना चाहिए एक पैटर्न जनरेट करता है। उस पैटर्न, ये एक उसका पैटर्न है कि एक्स की वैल्यू ये है तो वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू ये है तो वाई की वैल्यू होगी। इस तरीके से एक पैटर्न जनरेट हो रहा है, ये पैटर्न जनरेट हो गया। इस पैटर्न से हम ये प्रिडिक्शन लगाएंगे कि ये प्रिडिक्टेड लाइन होगी हमारी, जो कि मशीन एक पर्टिकुलर मॉडल को बनाने में हमें सपोर्ट करती है। ये प्रिडिक्शन लाइन है तो हमारा डेटा इनपुट करेंगे तो उसके हिसाब से आउटपुट हमें मिलेगा। ये हमारी प्रिडिक्शन लाइन है ना, प्रिडिक्टेड लाइन बोल सकते हैं इसको। फिर इसके बाद हमारा एक मॉडल तैयार हो गया, फिर जब बाद में अपन इसकी टेस्टिंग करते हैं तो न्यू डेटा इनपुट करेंगे तो प्रिडिक्टेड लाइन के आसपास ही डेटा पॉइंट या उसके वाई के रिजल्ट्स आएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। तो इसमें हम मशीन लर्निंग में मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लीनियर रिग्रेशन का यूज कर रहे हैं, है ना, लीनियर रिग्रेशन का। तो इसमें देखिए डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, है ना, बट मेन चीज समझने वाली चीज अगर है इसमें, तो जो प्रिडिक्शन हम लगाते हैं, प्रिडिक्टेड लाइन को ड्रॉ अगर हम करते हैं तो वो किस बेस पर करते हैं, है ना। तो वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो उस समय जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय अपन ने इतना डीप में उसको स्टडी नहीं किया था। तो देखिए आप लोग इस ये कुछ इक्वेशंस हैं, उसको समझने की कोशिश करिए कि प्रिडिक्शन लाइन, प्रिडिक्टेड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, क्या उसमें इक्वेशन यूज होती है, क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, है ना। तो नाउ द टास्क इज टू फाइंड द लाइन विच फिट्स बेस्ट इन एवव स्केटर प्लॉट्स। जो भी स्केटर प्लॉट्स, ये जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये कौन सा है, ये स्केटर प्लॉट्स बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, स्केटर प्लॉट्स बोलते हैं। इस स्केटर प्लॉट्स से हमें एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बेस्ट सभी पॉइंट्स के बिल्कुल पास से निकल जाए या सभी पॉइंट को कवर करती हुई चली जाए। तो इसे अपन वही चीज लिखी हुई यहाँ पर, कैन प्रेडिक्ट द रिस्पॉन्स फॉर एनी न्यू फीचर वैल्यूज, ओके, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स नॉट प्रेजेंट इन डेटा सेट। द लाइन इज कॉल्ड द रिग्रेशन लाइन। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन के नाम से जानते हैं, क्लियर। द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड, देखिए इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच ब्रैकेट में लिखा है एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स आई। एक्स आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें बी जीरो और बी वन जो है आपके, ये बी जीरो और बी वन क्या है, आपके कोफिशिएंट्स हैं,
है ना, ये कोफिशिएंट वैल्यूज हैं जो कि आपकी लाइन को आपके अकॉर्डिंग आप जैसा चाह रहे हो वैसा उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करने के काम हमें सपोर्ट करती है ना। इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो हमने इक्वेशन कौन सी निकाली, एच एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स ऑफ आई, है ना। तो एच एक्स आई, ये एच एक्स आई रिप्रेजेंट द प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स वैल्यू, क्या है ये प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स वैल्यू फॉर आई ऑब्जर्वेशंस, आई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसके बेस पर हम प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एच एक्स ऑफ आई, है ना। इसी तरीके से बी जीरो बी वन आर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड रिप्रेजेंट बाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन रेस्पेक्टिवली, मतलब बीटा जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी बी अंडरस्कोर जीरो को रिप्रेजेंट किया गया है बाय इंटरसेप्ट्स के लिए और बी वन को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर स्लोप। जैसे लिखते थे ना अपन आप लोग एक इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, बताया था आपको क्या लिखा था, देखिए मैं बताऊँ आपको। क्या चीज क्वेश्चन, वाई इक्वल सी प्लस एंड ये था ना, यही बताया था आपको। तो जब आप क्लास में थे जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी कॉलेज में आके उनको मैंने बताया वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जिसमें एम स्लोप होता है और सी एक कोफिशिएंट वैल्यू होती है ना। तो वही उसी फॉर्म में ये लिखा है इन्होंने कि एच एच एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स, है ना, वही चीज लिखी हुई है। टू क्रिएट, अब देखिए टू क्रिएट आवर मॉडल वी मस्ट लर्न और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा 0 सॉरी बी जीरो एंड बी वन। हमें इस चीज को समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम बी जीरो बी वन को समझेंगे एंड वंस वी एस्टिमेट दीज कोफिशिएंट वी कैन यूज द मॉडल टू प्रिडिक्ट रिस्पॉन्स। ओके, इन दिस प्रैक्टिकल्स वी आर गोइंग टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, है ना। तो लीस्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बाय आई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बी वन एक्स आई प्लस ईटा इज इक्वल टू एच एच ऑफ एक्स आई प्लस ईटा आई एंड ईटा आई इज इक्वल टू बाय माइनस एच एक्स ऑफ आई। तो यहाँ जो ये जो ईटा है इज द रेसिडुअल एरर इन द ऑब्जर्वेशंस, मतलब क्या हो रहा है कि जो हम ऑब्जर्वेशन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा, अब हमारा ऑब्जर्वेशन लेकिन ये होगा लेकिन होना ये चाहिए, तो इस लाइन को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए जो बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है अपन ने किसके थ्रू, बाय आई माइनस एच ऑफ एक्स आई, है ना, इसके थ्रू अपन ने निकाल लिया। सो अवर एम इज टू मिनिमाइज द टोटल रेसिडुअल एरर, इसको अपन रेसिडुअल एरर बोलते हैं। इस एरर को आपको क्या करना है, कम से कम करना है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारा ऑब्जर्वेशन सपोज यहाँ जा रहा था इधर नीचे, लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए था। हम इस लाइन को कैसे शिफ्ट करेंगे, इस बीच के डिफरेंस को रेसिडुअल एरर बोलते हैं। अपन इस लाइन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए जो डिफरेंस है उसको अपन ने फाइंड आउट कर लिया ताकि अपन लाइन को प्रॉपर ड्रॉ कर सकें, ठीक है। इसके बाद वी डिफाइन द स्क्वायर्ड एरर और कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन को जे बीटा जीरो बीटा वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एन ईटा वन टू
इसकी रेंज दे रखी है एंड आवर टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी जीरो एंड बी वन विच जे बी जीरो बी वन इज मिनिमम ओके विच गोइंग टू द मैथमेटिकल डिटेल्स वी रिप्रेजेंट दिस रिजल्ट हियर. तो ये बीटा वन अपन ये निकाल सकते हैं, बीटा जीरो अपन निकाल सकते हैं. इस तरीके से ये एक मैथमेटिकल पोर्शन है. मैं आप लोगों को इसकी इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन अभी हालांकि रीडेबल नहीं आ रही होगी जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों को, तो मैं आपको अलग से सेंड करूंगा. कुल मिला के हमको ये फाइंड आउट करना है इसमें, ये जो अपन फाइनली जो आउटपुट चाह रहे हैं ना, वो आउटपुट क्या चाह रहे हैं कि ये जो प्रिडिक्टेड लाइन है, ये जो प्रिडिक्टेड लाइन है ना, ये प्रिडिक्टेड लाइन कैसे आपको निकालना है. तो उसके लिए एक इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन जो दे रखी है उसी पर बेस्ड इक्वेशन है. इसको आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है ना. पाइथन का प्रोग्राम आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले इम्पोर्ट नम पाई एस एन पी, एक एनपी नम पाई लाइब्रेरी को आप यहाँ इम्पोर्ट करा रहे हैं, उसमें एक वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं एनपी. फिर इम्पोर्ट मेटा प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, मतलब हम दो लाइब्रेरी फंक्शंस, दो लाइब्रेरीज को कॉल कर रहे हैं नम पाई और मेटा प्लॉट लिब, क्योंकि हमें क्या करना है, ये एक नम पाई यूज कर रहे हैं, नम पाई के थ्रू हम ग्राफ जनरेट करेंगे. फिर ये ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पर ये वाली लाइब्रेरी कॉल इंपोर्ट करा रहे हैं. फिर इसके बाद अपन डायरेक्ट अपन आते हैं मेन फंक्शन में. यहाँ आते हैं मेन फंक्शन में, हम लोग क्या कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस डेटा. देखिए ऑब्जर्वेशन डेटा क्या है, जीरो एक्स की वैल्यू क्या, अरे अपन ने डिक्लेयर किया हुआ है, आप लोगों ने पाइथन अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे 0 1 2 3 4 5 7 8 9, ये एक्स की वैल्यू है. फिर वाई, y की वैल्यू आपने np डॉट अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देख रखी, ये दो वैल्यूज आपने अरेज के थ्रू x और y में स्टोर करा रखी है, क्लियर. फिर इसके बाद एस्टिमेटिंग कोफिशिएंट्स, आपको क्या निकालना है रिग्रेशन के लिए, आपको कोफिशिएंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो b इज इक्वल टू एस्टिमेट अंडर स्कोर कोफिशिएंट, नाम का एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे. इसमें x और y की, ये x है और ये y है, जो भी अपन लेके चल रहे हैं वैल्यू, उन दोनों वैल्यूज को अपन यहाँ से पास कर रहे हैं, है ना. तो अपना ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अब फंक्शन कॉल हो रहा है, देखिए ये क्या नाम है फंक्शन का, एस्टिमेट कोफिशिएंट, ये आ गया डिफाइन किया फंक्शन एस्टिमेट अंडरस्कोर कोफिशिएंट, x और y वैल्यू में यहाँ से अपन ने दो वैल्यू पास किए हैं, ये दोनों ही पैरामीटर्स आपके यहाँ पे जाके स्टोर हो गया, x में x आ गया, y में y आ गया. फिर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, मतलब हमने जो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं, इसे काउंट करना है, इसकी साइज फाइंड आउट करना है. तो हमने एक फंक्शन लगाया है n इज इक्वल टू एन पी डॉट साइज, हमें मालूम है कि यहाँ पर एन पी, एन की साइज कितनी दे रखी है, हमने 10 दे रखी है, लेकिन हमने अपने पाइथन के प्रोग्राम में इस साइज को, ये जो डेटा अपन अरे के थ्रू पास कर रहे हैं, है ना, तो पास कर रहे हैं यहाँ से x और y में वो दोनों वैल्यूज आ रही है, फिर एन पी डॉट साइज से उसकी साइज निकल जाएगी, फिर मीन ऑफ x एंड y सेक्टर्स वेक्टर, है ना. तो क्या होता है कि कोफिशिएंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको, आपने स्टैटिक्स पढ़ा है, हम मान के चलते हैं हमने स्टैटिक्स पढ़ा है, है ना. और स्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोफिशिएंट वैल्यू जब भी फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए मीन वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ती है पहले. तो एन पी डॉट मीन, है ना, np क्या है, num pi टाइप का एक वेरिएबल आपने जनरेट किया हुआ है, तो अपन हर बार np लगा रहा है ना. np डॉट मीन, मीन निकाला आपने, मीन एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है ना, उसमें x का मीन निकाला, ऐसे अगर y का मीन निकालना है तो np डॉट मीन y आपने पास कर दिया, तो दो वैल्यू आपने पास कर दी, तो इसके थ्रू आप mx और my फाइंड आउट कर लेंगे. फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग क्रॉस डेविएशन एंड डेविएशन अबाउट x, क्रॉस डेविएशन एंड डेविएशन अपन फाइंड आउट करेंगे इसमें xy और xx का,
तो MP डॉट सम सम करेंगे y into x को मल्टीप्लाई किया उसको सम निकाला उसमें से n into m underscore y into mx इनका मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से लेस कर दी। ये कैसे किया है ये देखिए, ये जो मैंने बताया था ना आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस n x का होल स्क्वायर। अब n x कैसे निकालते हैं है ना, n x निकालने की मेथड ऊपर दी हुई है। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ ना यही फॉर्मूला अपन ने कहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया समेशन x स्क्वायर, ये समेशन x स्क्वायर माइनस n इनटू m। मतलब अपन ने क्या निकाला, कैलकुलेटिंग क्रॉस डेविएशन निकाले, फिर कैलकुलेटिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाले। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट b1 और b0 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी थी। तो s x y ये अपॉन x एक्सिस इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो आपका b1 निकल आएगा। फिर ये क्या निकल जाएगा आपका b1 मतलब क्या है यहाँ पर स्लोप वैल्यू, b0 क्या है कोएफिशिएंट वैल्यू। तो m अंडरस्कोर y माइनस b अंडरस्कोर 1 इनटू mx इसके थ्रू अपन क्या निकालेंगे इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू निकाल लेंगे। फिर रिटर्न कर देंगे b1 और b0 दिए दोनों वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे प्लॉट रिग्रेशन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। इसी के अंदर पहला फंक्शन किस नाम से बनाया था, एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट वैल्यू है ना, ये देखिए एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट वैल्यू। और इसमें एस्टिमेट कोएफिशिएंट वैल्यू में x और y आपने पास किया, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया और रिटर्न b0 b1 इसको मिल गया। तो ये रिटर्न b0 b1 आपका एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट के थ्रू ये वैल्यू b में पास हो गई। फिर उसको आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद प्लॉटिंग रिग्रेशन लाइन प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो प्लॉट अंडरस्कोर रिग्रेशन अंडरस्कोर लाइन नाम का एक फंक्शन आप जनरेट कर रहे हैं जिसमें x, y, b है ना, x, y और b है ना। तो ये एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट वैल्यू आपने b में पास करा दी है ना, उसको भी अपन ने यहाँ से पास किया। अब पास किया तो ये इसमें आ गए x, y, b ये आ गए। प्लॉटिंग द एक्चुअल पॉइंट्स एज स्केटर प्लॉट है ना, अपन प्लॉट करेंगे प्लॉट डॉट स्केटर x, y, color m ले लिया आपने है ना। फिर आप क्या करोगे प्रिडिक्टेड रिस्पांस वेक्टर, फिर हम लोग क्या करेंगे रिस्पांस वेक्टर y की वैल्यू निकालेंगे। प्रिडिक्टेड लाइन जो ड्रॉ की है ना y प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू b0 प्लस b1, ये b0 और b1 जो आपने फाइंड आउट किया है उसको आपने प्लस कर दिया मल्टीप्लाई बाय x। प्लॉटिंग रिग्रेशन लाइन, अब लाइन को रिग्रेशन लाइन को प्लॉट करना है ना। तो प्लॉट plt डॉट प्लॉट x y प्रिडिक्टेड कॉमा कलर ग्रीन, ग्रीन कलर देना अपने करना जो भी कलर देना दे सकते हो। पुटिंग लेवल्स, अब लेवल x और y लेवल आपने plt डॉट x लेवल plt डॉट y लेवल आपने कर दिया। फिर फंक्शन टू शो प्लॉट plt डॉट शो, इस तरीके से अपन ये फंक्शन को शो कर सकते हैं है ना। तो ये आपको स्नैपशॉट में दिखा रहा हूँ बट इस स्नैपशॉट के अलावा हमने क्या किया है उसको डायरेक्ट अपन पाइथन को ओपन करेंगे है ना। देखिए ये अपन शेयरिंग को स्टॉप कर देते हैं है ना। अब इसके बाद अपन लोग आते हैं अब की बार अपन शेयरिंग क्या करेंगे, जो मैंने पाइथन ओपन करके रखा हुआ है ये स्पाइडर, ये स्पाइडर मैंने ओपन करके रखा। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के लिए, यस सर हो गई ना। ये देखिए वो पूरा का पूरा कोड है ना मैंने कहाँ डाल के रखा है, कहाँ डाल के रखा है पूरा पूरा ये कोड मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है इसके अंदर पाइथन का है ना। जिस कोड को अपन अभी समझ रहे थे ना, ये देखिए यहाँ अपन ने numpy as np को अपन ने कॉल किया है, इंपोर्ट कराया मेटा प्लॉट लिफ्ट
डॉट पाई प्लॉट अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है, फिर एस्टिमेट कोफिशिएंट फंक्शन को कॉल डिफाइन किया हुआ है ये पूरा का पूरा, है ना। फिर इसके बाद अपन ने डिफाइन प्लॉट इसके बाद हमने क्या किया है इसके बाद एक इसके बाद हमने क्या किया है इसके अंदर ये प्लॉट रिग्रेशन लाइन, प्लॉट रिग्रेशन लाइन अपन ने ड्रॉ किए, है ना। प्लॉट रिग्रेशन लाइन के लिए पूरा फंक्शन अपन ने लिखा है। फिर ये मेन फंक्शन है आपका, और मेन फंक्शन में आपने एक्स और वाई दो वैल्यू आपने डिफाइन कर दी। फिर कोएफिशिएंट फंक्शन को आपने कॉल किया, फिर प्लॉट फंक्शन को आपने कॉल किया, है ना। तो इस तरीके से ये आपने पूरा प्रोग्राम टाइप कर लिया है, है ना। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे यहाँ से आप, यहाँ रन फाइल F5 भी प्रेस कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ये अपन क्लिक करेंगे इसमें, यहाँ पे आपका आउटपुट दिखेगा। ये आपको आउटपुट दिखेगा, और आउटपुट में क्या दिख रहा है, B0 क्या निकल गया, B1 और B0 कैलकुलेटिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या आ गया आपका, B0 = 1.233662 लंबा है डिजिट में, ऐसे B1 आपका ये हुआ, ये आ गया आपका। ये दोनों क्या आ गए आपके कैलकुलेटिंग, ये आ गया आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट, है ना। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से हमने ये प्लॉट अगर आपको देखना है तो ये प्लॉट पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका प्लॉट डिस्प्ले में आ जाएगा, है। ये आपका प्लॉट डिस्प्ले में आ जाएगा, है ना। तो अब इस प्लॉट को अगर आप हम ध्यान से देखें, देखिए ये आपका वही डेटा पॉइंट्स आ गए, ये जो डेटा पॉइंट्स है अपन ने जो इनपुट कराए थे वहां से अरेज के थ्रू, ये डेटा पॉइंट्स हैं। फिर हमें हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था डेटा पॉइंट्स को प्रिंट कराना, चैलेंज नहीं था हमारे लिए, सबसे बड़ा चैलेंज था ये प्रिडिक्टेड लाइन को ड्रॉ करना। तो ये प्रिडिक्टेड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने मीन निकाला, मीन के बाद कोफिशिएंट रिग्रेशन निकाला, है ना। उस कोफिशिएंट रिग्रेशन के बाद प्रिडिक्टेड लाइन को हमने ड्रॉ करने के लिए, प्रिडिक्टेड लाइन की वैल्यूज क्या होंगी उसके लिए अपन ने यहाँ पर इक्वेशन लिखी। तो इक्वेशन के बाद जाके आपका ये ग्राफ आपको डिस्प्ले में आ गया, है ना। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स है टफ, लेकिन अगर थोड़ा सा मुश्किल लगता जरूर है, बट अपन लोग थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल्स पर भी हम फोकस करें, क्योंकि व्हेन एवर यू विल बी द डेटा साइंस डेटा साइंटिस्ट दैट टाइम यू नीड सच टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग।